वेलकम। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के आज एक न्यू वीडियो के साथ, तो आज मैं हूँ यहाँ पर हरियाणा के रेवाड़ी जो शहर है उसके अंदर आया हूँ। और यहाँ पर एक एनजीओ जो कि मैं कल यहाँ पर जो स्टेप फ्री वगैरह है जो प्रोवाइड करने के लिए आया था, यहाँ पर पीछे झुग्गी झोपड़े वहाँ पर हमने स्टेप फ्री वगैरह ये बांटी थी। तो एनजीओ के मैम यहाँ पर बैठी थी, कल बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, तो हमने पूछा था कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। तो मैम ने बोला था कि मतलब बुक्स वगैरह की और इरेजर वगैरह बड़े जो हमें भाई भाई दिखा देना, ये सब हम लेकर आए इनके लिए, और जितना हमसे हो सकेगा हम वो भी इनको प्रोवाइड करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि जितनी ज़्यादा मदद तुम अपने दिल से और किसी कर सको, चाहे वो हो एक पैसे की, दो पैसे की, चाहे कितने के भी हो, उनकी मदद करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट करो, क्योंकि इनके पास ये सब चीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती है। और जो अमीर अमीर बच्चों के पास जो उनके पास ये सब इतना सा नॉर्मल है, तो इनके पास प्रोवाइड कराने की ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करो। मुझे किसी के पास से कभी कुछ नहीं चाहिए। कभी आप ये सोच रहे कि मैं दूसरे के पास से, कोई मेरे पास कोई भी पैसे वगैरह नहीं भेजेगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, मुझे किसी अगर किसी को मदद हो, मेरी मदद की ज़रूरत हो, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और मुझे बताना मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा इस चीज़ के लिए। और इस साइड भाई बच्चे हैं स्कूल के, एक बार वो दिखा दो। और यहाँ पर कम से कम 100 बच्चे हैं, यहाँ पर जो 100 बच्चे बैठे हुए हैं, अभी इनको ये बुक्स वगैरह ये सब प्रोवाइड करेंगे और इनसे पूछ लिया जाएगा कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो चीज़ भी इनको दी जाएगी। और हमारे साथ हमारे दोस्त भी आए हुए हैं, जो कि मतलब काफ़ी लोग, इसलिए हम दोस्तों के इसलिए आते हैं, हमारे साथ लड़कियाँ भी इसलिए लाई जाती हैं, क्योंकि कई लोग जो शर्माते हैं, मतलब कल हम जैसे स्टे फ्री वगैरह कुछ देने के तब भी शर्मा रहे थे, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा तब भी वो शर्मा रही थी, तो इसलिए अब हम इनको भी साथ रखने लगा। ये भी हमारी बहुत ज़्यादा हमारे हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो अगर आपको मैं एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और देखकर वो भी ये ऐसा सब काम करे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी भी अपनी सैलरी में से थोड़ा सा ही इन जैसे लोगों को डोनेट वगैरह किया करो, आपका कुछ घटने का नहीं, आपके पास कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं और इनको प्रोवाइड करते हैं, चलो। A few moments later. तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके भाई, ये बुक्स दिखा देनी, ये हम यहाँ पर सभी ले आए हैं। और जो मैम का नाम है, प्रवीण मेहता नाम है मैम का, और मैम जो यहाँ की हेड मैम ने, मतलब मैम ही अभी इसको चला रही है, और जो यहाँ के मेन हेड है उनका नाम देखो ये लिख रखा नरेंद्र गुगलानी, जो इनके जो मेन हेड है ना, मेन एम्प्लॉई जो ये है, यहाँ पर मतलब ABCD वगैरह जो भी कुछ है बच्चों को पढ़ने के लिए वो सब लिख रखे, कि बच्चे खेलते कूदते भी यहाँ पर मतलब आराम से पढ़ सकते हैं। बट मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ की ये लग रही है कि बच्चे धूप के अंदर काफ़ी बार धूप आ जाती है, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये लग रही है। अगर कोई एम्प्लॉई मेरी जो भी वीडियो देख रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की हेल्प करे भाई, मेरे से जितना हो सका है मैं उनकी वो मदद कर रहा हूँ। पर मैम से हमने बातचीत की, तो मैम से बातचीत करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैम बहुत ही एक अच्छे नेचर की है। मैम अगर आप कुछ बोलना चाहो तो सामने आपके कैमरा से कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो अपनी तरफ से। मैं बताना चाहूँगी कि ये स्कूल हमारे 12 साल से चल रहा है, श्री नरेंद्र रूपनानी जी ने इन्हें चलाया, तब से ये चल रहा है। लेकिन मैं 2.5 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल में थी, अब यहाँ मैं सेवा कर रही हूँ, और यहाँ पर लगभग 200 बच्चे हैं, और 2 पार्क में हमारा स्कूल लगता है, और बच्चे बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। इनके ये हमारे हरियाणा के नहीं हैं, बिहार, राजस्थान, UP, बिहार, दूसरे अदर स्टेट्स के हैं, और इनके पेरेंट्स जो हैं मिस्त्री मजदूरी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, और ये बच्चे जो हैं हमारे पास, हम इनको लेके आए समझा के, और ये सब यहाँ पढ़ रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है ये बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करें, और हर साल हम इनको सरकारी स्कूल में 10 से 15 बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, ताकि वहाँ पर इनको सर्टिफिकेट मिल सके। तो लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, ये समाज के सहयोग से चल रहा है, लेकिन हमारी समस्या जो है यहाँ पर छत नहीं है। जब धूप होती है तो हम पेड़ों की छाया देखते हैं, जब बारिश होती है तो हम इधर उधर भागते हैं, या फिर हमें छुट्टी करनी पड़ती है। मैं चाहूँगी भी जो भी इसे देख रहा है, कोई ना कोई ऐसा जो है इन बच्चों के लिए मसीहा बन के आए, और यहाँ पर जो है हमें हमारे लिए कोई छत या कोई जगह उपलब्ध करवाए, ताकि हम गर्मी सर्दी में आराम से पढ़ा सकें। अब हमने कुछ दिन से शाम को इवनिंग क्लासेस शुरू की है स्किल डेवलपमेंट की, उसमें हम बच्चों को मिट्टी के खिलौने और बहुत सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। हमारे पास 8 टीचर, 4 तो हमने पेड रखे हुए हैं, और 4-5 जो है हमारे पास एज ए वॉलंटियर आते हैं, जैसे मैम ये हिमांशी है, ये MA कर रही है, लेकिन ये यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए आती है हर रोज़,
सेवा करने के लिए आती है, 2 घंटे 2.5 घंटे जितना इसके पास हो जाता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छी इंग्लिश हो गई है। शायद कोई प्राइवेट स्कूल में भी इतने अच्छे बच्चे नहीं होंगे जो इतना अच्छा ये सीख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ आकर मुझे मेरा मन खुश हो जाता है कि मैं इनके साथ जब अपना समय बिताती हूँ, घर बैठे क्या करती हूँ। तो मैम का सभी जितनी मैम है यहाँ का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ जो इन बच्चों के लिए इतना काम कर रहे हैं। और बस आप देखते रहो जिंदगी में कितने कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। अभी मैम को ही देख ले, इतने अच्छे हैं ये। तो मैम आप इनको जो बुक्स वगैरह ये सब प्रोवाइड करा दें। आ जाओ, धन्यवाद करती हूँ। एक एक बच्चों को करके बुला लो। वेलकम, लो तुम भी बांट दो। अरे तुम भी देते, आप लोग अपने हाथ से दीजिए। नहीं ये भी दे दे मैम, आप भी दे दो। थैंक यू भैया, सभी वेलकम बेटा, वेलकम। चलो फिर ठीक है, तुम भी दे खड़े। थैंक यू भैया, धन्यवाद। एक का ये रह गया, रबड़ रहा है। थैंक यू भैया, एक मिनट। किसके पास, किसको नहीं मिला रहा बड़ा भी? अभी एक ले, आज बात लो मैम, लो आप भी दो। आज बेटा ये दे देंगे ना कोई। चल ठीक है, जा फिर ते, चल बात बात चल, ले बात 500 हमें दे दूँ। चल ले फोन ले ले, मिल गई, लो तुम्हें मिल गई, इस लाइन, इस लाइन लो, वेलकम फैंसी। तो यहाँ पर बच्चे हैं, वो है 100 के करीब है यहाँ पर बच्चे। और मैम ने बताया था कि यहाँ पर 100 के करीब है, पर आज 75 बच्चे आए हुए हैं और बाकी आए नहीं हुए। और दूसरी जगह पर और है इनकी, जो दूसरी जगह पर और बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहाँ से थोड़ा दूर है, और वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी हम प्रोवाइड करेंगे। आप बस वीडियो में बने रहिएगा। मुझे तो यहाँ का बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है, जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहे 1% भी। हम तो स्कूल में पढ़ते जब हमारे काम भी लगता है। यहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ का डिसिप्लिन जो यहाँ का बहुत ही अच्छा है, और यहाँ के टीचर्स भी सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप ये मत सोचना कि ये वीडियो बन रही है तब यहाँ ये बच्चे इसलिए वीडियो को देखकर शांत है। मुझे यहाँ पर 2 दिन हो लिए आते हुए, 2 दिन हो गए देखते देखते, पर यहाँ पर बच्चे शांत ही दिख रहे हैं मुझे तो। बिल्कुल बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है मुझे यहाँ का। आप मतलब यहाँ पर जब आंधी वगैरह आती है तो बच्चों की छुट्टी वगैरह करनी पड़ती है? बच्चों की छुट्टी वगैरह करनी पड़ती है। तो मेरी गुजारिश है, अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी कोई हो, तो इनकी इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो ताकि इनको छत मिल सके। और ये अब देखो धूप हो रही है, धूप के अंदर बैठकर पढ़ रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये भी बेचारे बच्चे, इनका भी मतलब कुछ ना कुछ मन है, कौन पढ़ना चाहेगा धूप में बैठकर। हो गए डन, हो गई। मैम थैंक यू सो मच, अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, अगर आगे जो हमसे हो पाएगा हम वो करेंगे। आप आते रहिएगा, बिल्कुल अच्छा लगा हमें आपका आना। आप इस तरह से बच्चों के साथ जुड़ेंगे, मैम बिल्कुल जुड़ेंगे, बिल्कुल आएंगे, और जितना हमसे हो पाएगा हम उतना करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो ठीक है बेटा, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए सब।